हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 5 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने अभी 6 ऐसे मोन्यूमेंट या 6 ऐसे स्मारक हैं देश में जिनको नेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पर अपने अंडर किया है। तो कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, एक तो यहाँ पे है नागपुर में, जिसका नाम है महाराष्ट्र में क्या है, वहाँ पे उच्च हाईकोर्ट या हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो उच्च न्यायालय है उसकी इमारत है। दूसरा है कि आगरा में आगा खान की हवेली। तीसरा है आगरा में हाथी खाना की हवेली। और चौथा ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पे कि राजस्थान के अलवर जिले में निमराना की बावड़ी। और पाँचवा ऑप्शन है उड़ीसा के बोलंगीर जिले में रानीपुर जिलों के मंदिर। और इसके साथ ही है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर विष्णु मंदिर, कोतली पिथौरा जिले के अंदर। तो ये 6 ऐसे टेम्पल जहाँ बोलते हैं 6 ऐसे स्मारक हैं टोटल, जिनको अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे दर्जा दिया है और इनको अपने अंडर रखा है। तो अब हम बात करें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंदर कौन कितनी साइट्स हैं इंडिया में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो हमारे देश में लगभग टोटल है 3693 ऐसी साइट्स हैं जो अपने अंडर कवर करके रखता है। इससे के साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो साइट हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या है 745। और सबसे सेकंड नंबर पर हम बात करें तो आता है कर्नाटक, मतलब साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट्स हैं वो हैं कर्नाटका में। और ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। अब यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड जो रेमेंस एक्ट है 1958, उसके तहत जो भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर हो या कोई ऐसा स्कल्पचर हो या फिर कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन हो, कोई लेख वगैरह हो जो कि 100 साल से ज़्यादा पुराना हो, उसको नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंजर्व है प्रिजर्व है वो कर सकता है। तो इन 6 चीज़ों को अभी इसके अंदर ऐड है वो किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, उनको डिस्कस करते हैं। देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश भारत के दौरान बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंगम है जो कि आर्कियोलॉजिकल के फादर के नाम से भी जाने जाते हैं। जो आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल एक सर्वेयर थे और उन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना है वो की थी। तो यह हमें ध्यान में रखना कि आज़ाद भारत से पहले ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना लिया गया था। बेसिकली हम बात करें मिनिस्ट्री की, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके अंडर यह आता है। इसका काम यह है कि हमारे देश के अंदर आर्कियोलॉजिकल के मामले में रिसर्च करना, इसके साथ ही जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और जो कल्चर हेरिटेज हैं उनको प्रिजर्व करना जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंदर आ रही हैं। तो ये सब काम इसके द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि 2 एक्ट हैं, एक तो है एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रेमेंस एक्ट 1958 और एक है एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। तो इन दोनों एक्ट के तहत जो भी साइट्स आती हैं या जो भी प्रोविजंस आते हैं उन सबको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कंजर्व करता है, उन सबको रेगुलेट है वो करता है। ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिस्ट्रेशन कमीशन के बारे में। तो देखते हैं क्या है। देखो, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिस्ट्रेशन जो कमीशन है वो बेसिकली बनाया गया था 1988 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उस टाइम पे 1986 में, और जो 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके तहत ही इसको स्टेचुरी बॉडी के तौर पे बनाया गया था। अब हम बात करें कि स्टेचुरी तो ही है बट यहाँ पे क्वेश्चन जुडिशियरी बॉडी भी है। कैसे? क्योंकि इसके पास कोर्ट की तरह पावर भी होती है और सिविल कोर्ट की तरह किसी भी जो भी बॉडी होती है जिसके खिलाफ ये समन वगैरह कर सकती है उसको एक तरीके से हल्की सजा भी प्रोवाइड करवा सकती है। इसका काम क्या है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिस्ट्रेशन कमीशन का? इसका काम ये है कि हमारे देश में जो कंज्यूमर है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि अपन ने कोई भी चीज़ है मार्केट से कहीं भी खरीदी और हमें लगता है कि हमारा वहाँ पर शोषण हुआ है, हमें एक्सप्लोइट किया गया है या हमें कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया, तो हम कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। और कंज्यूमर जो कोर्ट है वो इसी के तहत बनाया गया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिस्ट्रेशन कमीशन के तहत। तो यह हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसके चेयरपर्सन या इसके जो कमीशन्स हैं वो कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं? देखो, नेशनल जो यहाँ पे NCDRC है इसके हेड की बात करें तो वो होते हैं या तो सिटिंग जज या फिर रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके हेड है वो होते हैं। तो यह ध्यान रखना कि सिटिंग और रिटायर्ड जज हैं, उन दोनों में से कोई सा भी सुप्रीम कोर्ट का जज है वो इसका हेड है या कमीशन हेड है वो बन सकता है।
इसमें दो प्रोविजन है, एक तो है इसका सेक्शन 21 और एक है इसका सेक्शन 23। सेक्शन 21 ये कहता है कि भाई 1 करोड़ तक का अगर कोई भी केस है कंज्यूमर के द्वारा अगर फाइल किया गया है तो उस केस को लेके स्टेट के अंदर जो भी कोर्ट बनाया गया है, मतलब स्टेट के अंदर जो जुडिशियल कमीशन है या स्टेट के अंदर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बॉडी काम करती है वो काम कर सकती है, फिर जिले के अंदर जो बॉडी है वो उसको रेगुलेट करेगी या उसके बारे में एक्शन सर वो लेगी। इसके साथ इसका जो सेक्शन 23 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो स्टेट और जो जिले लेवल के ऊपर जो बॉडी है अथॉरिटी हैं उनके न्यायालय या उनके डिसीजन से खुश नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में एप्लीकेशन दायर कर सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है NCDRC, तो हमें इसके बारे में ध्यान है कुछ फैक्टर वो रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2018। कंटेक्स्ट यह है कि नेशनल जो काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन बिल 2018 है वो अभी पार्लियामेंट में पास किया गया है, तो हम इसके कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं। देखो पार्लियामेंट ने इसे अप्रूवल प्रोवाइड करवाया है, 2018 का यह बिल था तो अभी विंटर सेशन में इसको रखा गया था तभी से न्यूज़ में आया है। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या इस बिल के प्रावधान है, तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा बैकग्राउंड के साथ कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उसने एक सर्वे किया था तो उस सर्वे में पता चला कि हमारे देश के अंदर जितने स्टेट हैं उनमें 23 स्टेट के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी और कुछ कॉलेज ऐसी थी जो कि BEd के जो कोर्स होते हैं, देखो BEd का जो कोर्स है वो टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टीचर्स के लिए कंपलसरी होता है, तो BEd कोर्स है वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से नहीं किया गया था। मतलब हमारे देश में ऐसे बहुत से छात्र थे जिन्होंने जो रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफाइड स्कूल्स थी या जो कॉलेज थी वहाँ से BEd का कोर्सेज नहीं किया था, जहाँ की बात करें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, और इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रावधान करने की कोशिश की कि भाई जिन लोगों ने जो रिकॉग्नाइज BEd इंस्टीट्यूट नहीं है वहाँ से भी अगर उन्होंने कुछ डिग्री वगैरह हासिल कर लिया तो उनको मान्यता देना काफ़ी ज़रूरी है, तो उनको उसके लिए उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स एजुकेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसका प्रावधान ये था कि भाई जिन स्टूडेंटों ने जहाँ से भी अन जो रिकॉग्नाइजेस जो इंस्टीट्यूट थे जहाँ से उन्होंने मतलब मान्यता प्राप्त जो स्कूल थे जहाँ से उन्होंने एक तरीके से शिक्षा हासिल की थी या जो BEd का कोर्स किया था वहाँ से अगर एजुकेशन प्राप्त किया तो उनको वापस से एक कोर्स के थ्रू उनको मान्यता प्रोवाइड करवाई जा सके, तो उसके लिए मान्यता प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने जो टीचर्स की एजुकेशन की क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है उसकी स्थापना करने की बात की भी की थी। तो एक कुछ छोटा सा आर्टिकल था तो हम इसके बारे में फैक्ट का यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है उससे पहले हम थोड़ा साउथ एशिया का मैप वो डिस्कस करते हैं। देखो साउथ एशिया के मैप में हमें बेसिकली फोकस करना है यहाँ की जो हमारी आसियान कंट्रीज हैं उनकी तरफ। देखो ये तो हो गया हमारा इंडिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे हो गया बांग्लादेश, थोड़ा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। अब हम बात करें ये रहा हमारा म्यांमार पड़ोसी देश, और म्यांमार के साथ हम बॉर्डर की बात करें तो देखो यहाँ पे होगा थाईलैंड, थाईलैंड के जस्ट ऊपर नॉर्थ की साइड देखेंगे तो ये होगा लाओस, और ध्यान रखना लाओस है वो 100% लैंडलॉक कंट्री है, इसके देखो किसी भी साइड कोई सी वगैरह फेज है वो नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे वियतनाम हो गया जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ टोकिन भी आप देख सकते हो कि गल्फ ऑफ टोकिन की लोकेशन है, ये यहाँ पे साउथ चाइना सी है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनको लेकर डिस्प्यूट है वो चाइना के बीच में चल रहा होता है। ये यहाँ पे कंबोडिया है, कंबोडिया की लोकेशन आप देख सकते हो कि थाईलैंड और लाओस और जो वियतनाम है इनके जस्ट बॉर्डर शेयर वाले एरिया में है, फिर यहाँ पे थाईलैंड हमारा आ गया है और नीचे है वो मलेशिया सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ हैं, तो हमें इन कंट्रीज़ का थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि इनकी थोड़ी लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारे कंटेक्स्ट की तरफ, कंटेक्स्ट देखो यह है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को लेकर। तो अब हम चलते हैं हमारे मैप में, ये तो हो गया हमारा इंडिया, यहाँ पे ये होगा म्यांमार, ये होगा थाईलैंड, तो इंडिया से लेके और थाईलैंड के बीच में एक हाईवे वो बनाया जा रहा है जो कि तीनों कंट्रीज को कनेक्ट है वो करेगा, तो उसको लेके भी न्यूज है वो आई है। यह 1360 किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनाया जाएगा जिसके अंदर दो पार्टों में या दो सेक्शन है, एक सेक्शन तो इसका ये है, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ पे है कालेवा यागेई रोड सेक्शन जो कि 120 किलोमीटर लंबा है, और एक है यहाँ पे एक सेक्शन और है जो कि 149 किलोमीटर लंबा है जिसका नाम है तम्मू कैंगोन कालेवा रोड सेक्शन जिसमें लगभग 69-70 के आसपास ब्रिज वगैरह बनाए जाएंगे। ये जो हाईवे बनाया जा रहा है इसके द्वारा जो फंड की जरूरत है जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है ग्रांट है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करो जाएगी, है हमें ध्यान में रखना है म्यांमार को, क्योंकि जो हाईवे निर्माण का मेन काम है वो म्यांमार के द्वारा किया जाएगा, जो फंड वगैरह वो इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जरूरी क्यों है, आखिर क्या इंडिया इसके लिए पैसा दे रहा है।
इंडिया की एक पॉलिसी आई थी, आपको ध्यान हो तो, लुक ईस्ट पॉलिसी, और उसके बाद में आई थी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का मोटो क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी का ये मोटो था कि भाई इंडिया को जो ईस्टर्न कंट्रीज है ना, या जो ईस्टर्न एरिया है, उसके तरफ फोकस करना चाहिए, और वो भी इंडिया के लिए काफ़ी अहम है, वो हो जाता है। और इसीलिए इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को वैल्यू देने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इंडिया के अंदर मोरे है वहाँ से ले, मोरे देखो हम बात करें कि म्यांमार के बॉर्डर के काफ़ी क्लोज ही है, वहाँ से लेके और फिर यहाँ पे मैसूर जो कि थाईलैंड में आता है वहाँ तक एक कॉरिडोर बनाने की बात है वो की थी। तो यह हमें ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखो, एक तो आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी के साथ ही अगर हमें ईस्टर्न इंडिया का डेवलपमेंट करना है, नॉर्थ ईस्ट एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए ये कॉरिडोर या ये जो हाईवे ये काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। और जो आसियान और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ट्रेड अच्छा होगा तो इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे होंगे, तो अपने आप पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे हैं, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान में रखना है। फ्यूचर में बात की जा रही है कि इसको कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक भी एक्सटेंड है वो किया जाएगा, तो इसको लेकर न्यूज थी, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। एक तो यहाँ पे आप सिटी का नाम ध्यान रखना, मोरे सिटी है वो इंडिया में है, और मैसूद सिटी है वो है थाईलैंड में। तो ये इन दो सिटीज का पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ के बीच में ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है चाइना का चांगये फोर प्रोब के बारे में। देखो चाइना का जो चांगये प्रोब है ये एक स्पेस क्राफ्ट था जिसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले न्यूज डिस्कस की थी कि भाई ये जो चाइना का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, मतलब चाइना के द्वारा जो चंद्रमा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए मिशन है वो लॉन्च किया गया था, और उसी का नाम है यहाँ पे चांगए 4। तो अभी ये जो स्पेस क्राफ्ट था ना ये एक्चुअली मून पे पहुंच चुका है, तो उसको लेकर न्यूज आई है। तो इसके बारे में दो तीन छोटे छोटे फैक्ट हैं। पहला फैक्ट तो है कि भाई चाइना से बिलोंग करता है, चाइना का यह एक स्पेस क्राफ्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका वो यह है कि यह पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि मून की डार्क साइड की तरफ है उसने एंट्री है वो की है। देखो मून का जो एक पार्ट है ना, आप देखोगे ना कभी भी, तो मून का हमें एक ही हिस्सा वो दिखाई देता है हमेशा। क्यों? क्योंकि मून के साथ साथ आपको अर्थ के साथ साथ ही मून है वो रोटेट करता हो कर रहा होता है, इसीलिए हमेशा एक हिस्सा ही अर्थ के सामने होता है, तो हमेशा वो हिस्सा हमें दिखता है। तो जो पीछे का हिस्सा होता है, जो बैक साइड हो गया, उसको बेसिकली मून की डार्क साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे इस सैटेलाइट ने, सॉरी इस स्पेसक्राफ्ट ने एंट्री है वो की है। तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो उसकी स्टडी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेगा। तो यह ध्यान रखना कि चाइना का जो यहाँ पे चांगए प्रोब स्पेसक्राफ्ट है, इसने लूनर, यहाँ बात करें यहाँ पे कि चांद है उसकी डार्क साइड पे एंट्री है वो की है। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, और ऐसा पहला यह स्पेसक्राफ्ट है जिसने डार्क साइड पे एंट्री है वो की है। तो यह एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। फिर देखो वहाँ पे क्रेटर गड्ढा है जिसका नाम भी हमें ध्यान में रखना है, जिसका नाम है वोन कार्मोन क्रेटर। तो ये वोन कार्मोन जो क्रेटर है, ये खड्डा है, ये भी चांद के ऊपर ही है और उसकी स्टडी वगैरह करेगा। तो यह हमें ध्यान में रखना है। छोटे छोटे फैक्ट्स यूपीएससी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। इस स्पेसक्राफ्ट का मेन काम यह है कि देखो इसमें एक लैंडर है और एक रोवर भी है, तो ये वहाँ पे जाके सैंपल है वहाँ के जो चट्टान वगैरह है, सोयल वगैरह है, उसके सैंपल लेके उनकी स्टडी है वो करेगा, और हमें पता चलेगा कि भाई वहाँ पे जीवन है वो रहने लायक है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी के काफ़ी सबूत एविडेंस हैं वो मिले हैं। तो उसी के आधार पर आगे जो फ्यूचर स्टडीज़ है वो होंगी। तो ये कंप्लीट न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे कवर है वो की है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम एक बार थोड़ा रिवाइज है वो कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 6 साइट्स ऐड की गई हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इसके साथ ही हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जाना। इससे के साथ हमने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशल कमीशन के बारे में जाना, और हमने यहाँ पे नेशनल जो काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन बिल अमेंडमेंट है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के, उनको हमने यहाँ पे कवर किया। इसी के साथ हमने इंडिया म्यांमार थाईलैंड के बीच में जो ट्राइलेटरल हाईवे है जो कि मोरे से लेके मैसूद को कनेक्ट करेगा, इनके बारे में फैक्ट है वो क्लियर किए। साउथ एशिया का जो मैप है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी के साथ हमने चाइना का जो चांगए 4 प्रोब स्पेसक्राफ्ट है उसके कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।